दोस्तों, जैसा कि तुम देख पा रहे हैं, आपके बीच में बैंक में करियर बनाने को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। यानी अगर कहा जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा सीनियर मैनेजर पदों के लिए आपके बीच में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल पद रखे जा रहे हैं। पदों का विवरण आप देख पा रहे हैं, जैसा कि 250 रखा जा रहा है, यानी 250 पदों के लिए आपके बीच में सीनियर मैनेजर के पद पर जो है काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के तहत निकाली गई है। नीचे यहाँ सवाल आखिरकार उठता है कि इसमें हमारी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यता के साथ साथ हम आवेदन कब से कर पाएंगे, ठीक है, आवेदन आप कैसे करेंगे, और यहाँ एज आपकी क्या होनी चाहिए, और सैलरी आप देख पा रहे हैं 78,230 रुपये पर मंथ। यानी अगर कहा जाए, जो सीनियर मैनेजर की पद है उसकी सैलरी जो है वो रखी जा रही है 78,230, यानी काफ़ी अच्छी सैलरी रखी जा रही है। तो आपका चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में एक अपडेट्स हम दिखाना चाहेंगे, जिसमें आपके सभी डाउट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर क्लियर हो जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के तहत। देखिए, आपके बीच में लगा है, सबसे ऊपर कहा जा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा परीक्षा केंद्र में बदलाव का अनुरोध पर विचार किया जाएगा। यहां देखिए कहा जा रहा है, सीनियर मैनेजर के 250 पदों पर होगी नियुक्तियां। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके लास्ट डेट का जो विवरण कहा जा रहा है, यानी अगर कहा जाए तो लास्ट डेट का जो विवरण है वो 26 दिसंबर है। यानी आवेदन की प्रक्रिया फाइनली आपके जो 26 दिसंबर से वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे इसमें कहा जा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा यानी सीनियर मैनेजर के 250 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 26 दिसंबर तक, जो 2023 तक, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके काम की चीज़ आ रहा है, आपके मन में डाउट्स भी उठ रहे होंगे कि आखिरकार इसमें शैक्षणिक योग्यता हमारी क्या होनी चाहिए। तो योग्यता के संदर्भ में देखिए कहा जा रहा है, उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन, पीजी और एमबीए डिग्री हासिल हो। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन उपलब्ध है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, चाहे आपने बीए किया है, चाहे आपने बीएससी किया है, या उसके बाद आपने पीजी भी कर रखा है, तब भी बेस्ट है। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप पीजी करेंगे, ये तो आपको पता है, या तो आपके पास एमबीए डिग्री होना चाहिए, ठीक है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन यहाँ आयु सीमा के बारे में आप देख रहे हैं कि आयु सीमा आपकी थोड़ी सी ज़्यादा मांग रही है, हालांकि इससे बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बाहर भी हो जाएंगे। कुछ लोगों की एज ही नहीं हुई होगी, तो वो तो जाहिर सी बात है बाहर ही होंगे। आयु सीमा के अंतर्गत कहा जा रहा है, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु जो 28 से 37 साल के बीच होने चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। यानी यहाँ आप देख लीजिए, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार यानी जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 28 से 37 वर्ष होना चाहिए, बाकी जो ओबीसी हैं, जो ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं, उनके लिए जो सरकारी नियमानुसार उनको छूट मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ और आगे कहा जा रहा है, वेतनमान को देख पा रहे हैं, चयनित उम्मीदवारों को 63,840 से 78,230 रुपये प्रतिमाह वेतनमान के रूप में दिया जाएगा। आगे यहाँ आवेदन शुल्क आप देख लीजिएगा, कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 600 रुपये देना होगा, जबकि अनारक्षित वर्ग को आवेदन के शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये शुल्क है, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए कुछ न कुछ छूट दी जाएगी। आप इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। आवेदन कैसे करें, यहाँ देखिए, आवेदन करने के लिए आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी जा रही है, आप इस वेबसाइट पर अगर आपको आवेदन करना है, बिल्कुल आप इस पर विजिट करिए। यहाँ चयन प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया को भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि चयन ऑनलाइन टेस्ट जो है, साइकोमेट्रिक टेस्ट
ग्रुप डिस्कशन तथा इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार अपने खर्च पर जो है संबंधित केंद्रों पर परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। उन्हें बैंक उन्हें किसी भी तरह की सुविधा प्रदान नहीं करेगा। यहाँ आपने देख लिया बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट पर जो है 250 पदों के लिए नियुक्तियाँ निकल कर आई हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 26 दिसंबर रखी गई है। ठीक है, हमने चयन प्रक्रिया पर चर्चा किया, आवेदन आप कैसे करेंगे, योग्यता, तो फाइनली उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो बिल्कुल आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।